तो पायथन के हमारे इस क्लास में एक बहुत ही मजेदार चीज आपके साथ करने वाला है। जी हाँ, हम करने वाले हैं ये चार्ट, जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट चार्ट आपको दिख रहा है ना, मुझे ये चार्ट बनानी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसको आराम से हम सिंपली इसको हम मर्ज बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं यहाँ से, और यहाँ से हम इसको होम पे आ सकते हैं, यहाँ से होम पे आ सकते हैं। मुझे इसको देखना है तो हम इसी पे क्लिक करेंगे तो पूरा ये रिपोर्ट मुझे दिखेगा। फिर वापस इस पे क्लिक कीजिए तो वापस ही हो जाएगा। फिर प्रोजेक्ट रिपोर्ट चार्ट बनेगा एक क्लास, वो भी एक्सेल डेटा से। मेरे पास एक प्रोजेक्ट डेटा है जो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे प्रोजेक्ट 1 2 3 फॉर्मेट में डेटा हमारे पास। अब चलिए इसकी पाथ को हम कॉपी कर लेते हैं और हम बनाते हैं कैसे बनेगा। बहुत ही मजेदार वीडियो है और डेटा एनालिटिक्स विद पायथन और एक्सेल के साथ हम डिस्कस करेंगे। अच्छा लगेगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और आप मेरे साथ पायथन सीखना चाहते हैं तो मुझे आप कॉल कर सकते हैं नंबर 3 पर। चलिए शुरू करते हैं। तो वीएस कोड ओपन करते हैं। वीएस कोड ओपन करने के बाद मैं यहाँ पे एक फाइल क्रिएट करता हूँ। फाइल के अंदर हम लिखता हूँ इसका नाम excel3.py। आ गया। सबसे पहले यहाँ पे आप पिप करके दो चीज करना पड़ेगा, यहाँ पे पिप इंस्टॉल प्लॉट LOI, प्लॉट LOI, इसको इंस्टॉल करना होगा। इसके अंदर ऑलरेडी मेरे पास इंस्टॉल है, इंस्टॉल करने की जरूरत इसमें नहीं है। उसके बाद इसमें आता है आपका, यहां पे लिखिए इंस्टॉल पिप होगा ना आपके, पिप इंस्टॉल। इसके बाद हम लिखेंगे प्लॉट LOI अंडरस्कोर एक्सप्रेस। दो लाइब्रेरी हमें चाहिए होगा तो दो लाइब्रेरी इंस्टॉल कीजिए। पांडास तो इसको चाहिए ही चाहिए क्योंकि एक्सेल फाइल एडिट करने के लिए पांडास की जरूरत पड़ेगी, तो 3 इसमें लाइब्रेरी जरूरत पड़ेगी। अब यहां पे तीनों लाइब्रेरी को हम करते हैं इंपोर्ट। इंपोर्ट प्लॉट LOI एक्सप्रेस एज ए PX, तो कुछ भी नाम दे दीजिए। एंड अगेन इंपोर्ट सिर्फ प्लॉट, क्योंकि आपको जो है HTML फाइल बनाने के लिए प्लॉट LOI की जरूरत पड़ेगी। एंड इम्पोर्ट पांडास, एक्सेल फाइल जो करने की तो पांडास की जरूरत तो है, पांडास एज ए PD, ये जो भी नाम दे दीजिए यहाँ पे। अब यहाँ पे D इक्वल टू हम जो है PD.read, एक्सेल फाइल को रीड करना है, रीड एक्सेल, और इसके अंदर इन्वर्टर कॉमा में वो पाथ आप दे दीजिए जिस पाथ में आपका फाइल पड़ा हुआ है। ओके, अब जो अगर मैं यहां पे प्रिंट करता हूं कि प्रिंट, और इसके अंदर करता हूं PD, तो डी सॉरी डी होगा ना, डी डी PDF रीड करके डी को दे दिया ना आपने डी, तो रन करेंगे तो आप यहां देखेंगे कि पूरी एक्सेल फाइल यहां आ गई। पूरी एक्सेल फाइल रीड होकर आ गई यहां पे, या फिर इसको आप एक्सप्रेस पे भी जाके देख सकते हो। जिस फोल्डर में आपका ये पांडाज है उस फोल्डर में आपको जाना पड़ेगा। इसमें आपका एक्सेल है, हाँ एक्सेल, राइट क्लिक करके ओपन विथ, मान फॉर्मेट पे इसको ओपन करना पड़ेगा, ओपन विथ पैथन। हट गया क्योंकि आपने शायद देखा नहीं, आया और चला गया क्योंकि इसमें हमने कुछ डाला नहीं था। इसको होल्ड करने के लिए मुझे यहाँ पे एक ए करना पड़ेगा, इनपुट करना पड़ेगा, इनपुट या कुछ और भी कर सकते हैं, इनपुट भी लिख देंगे तो होल्ड हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ओपन भी पैथिंग देगा। VS कोड में ओपन होगा, अब इसको आगे बढ़ाते हैं।
प्रिंट करने की जरूरत नहीं है। अब यहां पे हम लिखते हैं सारे कॉलम रीड करें, जो भी कॉलम्स है यहां पे, कौन कौन कॉलम्स है यहां पे, कॉलम है प्रोजेक्ट स्टार्ट फिनिश और कंप्लीट। तो यहां पी इक्वल टू हमने डी के अंदर इन्वर्टेड कॉमा में लिख दिया प्रोजेक्ट। स्पेलिंग और केस सेम होना चाहिए, ध्यान रखिएगा, प्रो जेक्ट। एंड यहां पे अगेन एस इक्वल टू डी स्टॉप, एंड फिनिश के लिए डी फिनिश, एक बड़ा है फिनिश। एंड सी इक्वल टू, सो यहां पे डी होगा, यहां पे डी, और इसके अंदर हम देते हैं कंप्लीट, कंप्लीट है। ओके, एक बार रन करके देख लीजिए, एरर तो नहीं है। हाँ, प्रोजेक्ट का पी लग रहा है बड़ा होगा, वो सारे सारे के फर्स्ट लेटर फर्स्ट कैपिटल है, तो आप यहां पे सारी कैपिटल है, तो यहां देखिए कोई आ रहा नहीं, तो सारे कॉलम को इसने रीड कर दिया। अब बारी आती है चार्ट बनाने, तो यहां पे लिखते हैं एफ एक्स इक्वल टू, कुछ भी ले सकते हैं पी एक्स, क्योंकि हमारा चार्ट बनाने का काम प्लॉट एल वाई एक्सप्रेस का है। तो पी एक्स डॉट टाइम लाइन, और इसके अंदर में डी दिया कॉमा, अभी आता है एक्स, क्योंकि यहां पे एक्स स्टार्ट क्या है, तो एक्स स्टार्ट जो हमारा है वो है एस। फिर आता है यहां पे आपका एक्स एंड क्या है, एक्स एंड इक्वल टू हमने बोल दिया फिनिश है, और उसके बाद यहां पे आता है वाई क्या है, तो वाई इक्वल टू प्रोजेक्ट है पी एम, और कलर क्या है, तो कलर हमने बोला कि जो हमारा कंप्लीट है उसके हिसाब से कलर। इसके बाद आता है टाइटल, कि टाइटल क्या देना है, तो टाइटल में हमने यहां पे लिख दिया कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट 2023, या जो भी लिखना चाहते हैं यहां लिख सकते हो। इसके अलावा इसके लेआउट वगैरह भी देना चाहे दे सकते हैं, फिलहाल मैं कॉम्प्लिकेट नहीं कर रहा हूं, और यहां पे सिंपल प्लॉट। अब इसमें एचटीएमएल फाइल बनाएगा आपका प्लॉट एल वाई डॉट ऑफलाइन, ऑफलाइन के अंदर डॉट प्लॉट, और इसमें किसका बनाना है, तो एफ एक्स का बनाना है। ओके, और फाइल नेम क्या देना है, तो फाइल नेम इक्वल टू हमने यहां पे दे दिया प्रोजेक्ट अंडरस्कोर वन डॉट एच टी एम एल, एच टी एम एल का फाइल बनाएगा। अब यहां से इसको मैं रन करता हूं, या कहीं और इसकी जो एक्सी फाइल बनाना, एक्सी फाइल बनाना, जो हाँ रन करना चाहे रन करें, रन करते हैं। यहां देखिए आपके सामने ओके ओके, तो आप देख सकते हैं कि ये पूरा है सितंबर अक्टूबर और सारा पूरा यहां पे दिख रहा है। यहां से इसको इस तरह से एक्सप्लोर कर सकते हैं, कलर्स दिख रहे हैं आपको कि कंप्लीट के हिसाब से, परसेंट के हिसाब से आपको कंप्लीट जा रहा, इस पर एक करके इस तरह से कर सकते हैं, यहाँ पे आ सकते हैं। साथ में इसकी अगर आपको चाहते हैं पीएनजी पे डाउनलोड करना, पीएनजी कर सकते हैं, जूम करना चाहे तो जूम कर सकते हैं, आप इस तरह से जूम कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। किसी भी तरह का और आपको ट्रेनिंग लेनी है एक्सेल, पावर बीआई, पाइथन सबकी, तो मुझे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू।